गुड मॉर्निंग क्लास 12 फिजिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा या किसी चालक को आवेशित करने में व्यय ऊर्जा के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर और द एनर्जी कंज्यूम्ड इन चार्जिंग अ कंडक्टर। उसके लिए हमें सबसे पहले संधारित्र की ऊर्जा के बारे में समझना होगा। ये खाली प्लेट एक्स और वाई तो थी, इनको हमने बैटरी से जोड़ा और इस प्लेट को चार्ज किया। तो हमारे चार्ज करने में कुछ वर्क हमें करना पड़ा होगा और उसी कार्य को हम इस संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। द वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। संधारित्र को आवेशित करने में हमारे द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम पढ़ें, इस प्लस और माइनस को आने में, ये संधारित्र बनाने में हमने कुछ कार्य किया। अगर हम इसको डिस्चार्ज कर दें तो जितना चार्जिंग में काम करना पड़ा होगा उतना ही डिस्चार्जिंग में भी करना पड़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी संधारित्र को डिस्चार्ज करने में किया गया कार्य, अनावेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। ये भी कह सकते हैं। अगर हमें इसको डिस्चार्ज करना है तो एक और तीसरा तरीका हमारे पास है, इस प्लस को उठा के हम माइनस के पास, प्लस को उठा के माइनस के पास। अगर इन सभी प्लस को उठा के माइनस के पास ले जाएं तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, इस पर भी कोई चार्ज नहीं बचेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और हमारा संधारित्र कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तीसरी डेफिनेशन हम बनाते हैं, तीसरी परिभाषा हम बनाते हैं, संधारित्र की एक प्लेट से आवेश को दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, या वही कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू द स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। इस परिभाषा को जब हमने बना लिया तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को एक जैसा कर सकते हैं। ये एक कंडक्टर है एक्स, ये कोई चालक है, इसको हमें आवेशित करना है और आवेश कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। तो क्यों ना हम इस कंडक्टर को, इस चालक को ऐसा संधारित्र मान लें। बी एज्यूम्ड दिस कंडक्टर एज अ कैपेसिटर हुज अदर प्लेट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट। चालक को हम ऐसा संधारित्र मान लेते हैं जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर स्थित है और इस अनंत से हमें आवेश को उठा के इस प्लेट तक लाना है, एक्स प्लेट तक लाना है। जितना काम हम करेंगे वही इस संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी। अनंत और इस चालक के चारों तरफ जो भी मीडियम है उसमें ये ऊर्जा भर जाएगी। ये संधारित्र भी है और ये चालक भी है। चालक ऐसा संधारित्र है, कंडक्टर इज सच कैपेसिटर हुज अदर प्लेट इज प्रेजेंट एट द इनफाइनाइट। चालक ऐसा संधारित्र है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर है। तो इसको हम आवेशित करने में क्या करेंगे, ये 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, इनफाइनाइट पर हैं और इनको हम इस प्लेट पर स्थानांतरित कर दें। तो संधारित्र की डेफिनेशन भी तो यही है ऊर्जा वाली, संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन साइड द कैपेसिटर। ये हम जानते हैं। तो हम इस प्लस को उठा के यहां लाए तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा और चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य भी हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए मैंने इस प्लस को उठा के इस संधारित्र की इस प्लेट पर, एक्स प्लेट पर लाया, मेरा वर्क डन कुछ और होगा। इस प्लस को मैंने यहां ला दिया, इस प्लस को जब मैं लाऊंगा तो क्या मुझे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा? ये प्लस नहीं चाहेगा कि ये प्लस आ जाए, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस प्लस को मैं लाया, अब तीसरे प्लस को जब मैं लाऊंगा तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन इस प्लस के लिए होगा। अगला पॉजिटिव लाऊंगा तो मुझे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को लाने में मुझे 1, 2, 3 पॉजिटिव चार्ज के प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से मेरा वर्क डन लगातार बदल रहा है। मैं चार्ज को जब ला रहा हूं तो इसका पोटेंशियल भी बदल रहा है, लगातार पोटेंशियल बदलेगा। पोटेंशियल जब लगातार बदलेगा
वर्क डन लगातार बदलेगा तो हम इस तरह के फॉर्मूला नहीं लगा सकते वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी। चार्ज देने में पोटेंशियल लगातार बदलेगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। इस सूत्र का यूज हम तब कर पाएंगे जब चार्ज को देने में पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बदलेगी। जब हम पहले विभव का या विभवांतर का अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, क्यू जीरो टेस्ट चार्ज था। अब हमारे टेस्ट चार्ज की नेचर बदल गई है, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो या वर्क डन हो जाएगा वी इंटू क्यू जीरो, किया गया कार्य आवेश और विभवांतर के, यहां संधारित्र है अगर तो विभवांतर, तो चालक है तो विभव में वृद्धि, इंक्रीज मेंटेन पोटेंशियल, आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज देने पर पोटेंशियल की वैल्यू बदल नहीं रही है, यहां पोटेंशियल की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करके वही समाकलन मेथड पर आएंगे और छोटा सा चार्ज, कोई डीक्यू चार्ज यहां लेंगे, डीक्यू मतलब बहुत ही स्मॉल चार्ज, ऐसा चार्ज जिसको हम इस चालक पर ट्रांसफर करेंगे, इस चालक पर लाएंगे, इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पोटेंशियल में नो चेंज अगर होता है किसी चार्ज के सप्लाई करने पर, तब हम फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। डीक्यू चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, तो इस छोटे से चार्ज को लाने में किया गया स्मॉल वर्क डन, छोटा कार्य, स्मॉल वर्क डन टी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है अभी इंटू डी क्यू, डी क्यू हमारा छोटा सा चार्ज है। इसको हमने इक्वेशन वन दिया, पहले जब हम यहां चार्ज ला ही नहीं थे तब यहां चार्ज जीरो था, पहले जब ये चार पॉजिटिव तो हम लाए हैं, यहां का चार्ज जीरो था और जब चार पॉजिटिव हम लाए तो यहां पोटेंशियल बढ़ता गया, यहां चार्ज की वैल्यू बढ़ती गई और हमें कितना चार्ज लाना है, फिक्स चार्ज हमारे पास है प्लस फाइव का और इस प्लस फाइव को हम पूरा बोल लेते हैं क्यू। यहां जीरो चार्ज था पहले, फिर हम डीक्यू 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 ऐसे छोटे छोटे पार्ट में पूरे के पूरे क्यू चार्ज को यहां से उठा के इधर लाए हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर हम इसका इंट्रीकेशन समाकलन करेंगे तो लोअर लिमिट तो हमारी जीरो हुई, क्योंकि तो पहले हमारे कंडक्टर पर या संधारित्र की इस प्लेट पर चार्ज शून्य था और अब चार्ज पूरा का पूरा यहां से पांच प्लस को मैं क्यू के बराबर मानता हूं, पूरा का पूरा चार्ज क्यू उठा के हम इस प्लेट पर ले आए हैं, तो अपर लिमिट हमारी हो जाएगी क्यू। इसको समाकलन करेंगे उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, तो सारे डी क्यू पार्ट छोटे छोटे डी क्यू हम लाएंगे, वो इसलिए लाएंगे ताकि हमारा भी ना बदले और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, सारे डी क्यू लाके उसको हम प्रॉपर लिमिट में जोड़ देंगे उचित सीमाओं में समाकलन करने पर और इंटीग्रेटिंग इन प्रॉपर लिमिट्स हम समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, इसको समाकलन करेंगे और यहां जीरो रखेंगे और यहां क्यू रखेंगे, चार्ज जीरो से हमने क्यू कर दिया, पहले चार्ज जीरो था और अब टोटल जब हम खत्म करेंगे चार्ज को लाना तो इसका चार्ज क्यू हो जाएगा जो हम इनफाइनाइट से उठा के इस प्लेट तक लाए हैं। अब हम ये जानते हैं भी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, पढ़ चुके हैं, वर्क हो जाएगा टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क ये है और यहां लिख देंगे हम जीरो क्यू लिमिट क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। सी कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर के लिए किसी भी चालक के लिए धारिता का मान नियतांक होता है, तो इस नियतांक को हमने उठा लिया बाहर, तो वर्क डन इक्वल टू वन अपॉन सी जीरो क्यू और यहां आ गया क्यू इंटू डी क्यू। यहां से हम समाकलन को आगे बढ़ा देंगे, हम जानते हैं अगर x इंटू डी एक्स का समाकलन हम करते हैं तो आता है x की पावर, यहां n लिख लेते हैं, x की पावर में n दे रहा हूं, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यही का यही केस इधर है, q की पावर को हम वन मान लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वर्क डन इक्वल टू वन अपॉन सी बाहर q की पावर वन प्लस वन और दोनों को जोड़ के नीचे, यहां जीरो और अपर लिमिट है क्यू, वर्क डन इक्वल टू
वन अपॉन सी क्यू की पावर टू अपॉन टू शून्य क्यू। अपर लिमिट को एक बार इस चार्ज की जगह रख देंगे, लोअर लिमिट को दूसरी बार रख देंगे। वर्क डन इक्वल टू वन अपॉन सी, इस क्यू की जगह एक बार इसी क्यू को रखेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू, माइनस एक बार जीरो रख देंगे क्यू की जगह तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो है, जीरो अपॉन टू भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल हमारा वर्क डन जो आएगा वो आएगा वन अपॉन टू, टू को मैं यहां ले रहा हूं, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये वर्क डन है, ये किया गया कार्य है जो संधारित्र में एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। वन बाई टू क्यू स्क्वायर सी, इसको हम इक्वेशन टू दे देंगे। अगर समाकलन करने के लिए हमने इक्वेशन वन सेलेक्ट किया था, क्यू व सी की टर्म में, ये जो एनर्जी है वो क्यू और सी की टर्म में है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है। अभी हमारा एक्सप्रेशन है वर्क डन इक्वल टू वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर सी, लेकिन हम जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो वर्क डन हो जाएगा वन अपॉन टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर है तो सी और वी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी, सी से स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा वर्क डन इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर। ये इक्वेशन थ्री है और ये इक्वेशन सी और वी की टर्म में, धारिता और विभव की टर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। Q और C की टर्म में आ गया, C और V की टर्म में आ गया, Q और V की टर्म में निकालना चाहते हैं तो C की जगह हमें Q लाना पड़ेगा, तो C इक्वल टू, क्योंकि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, Q इक्वल टू सी भी है तो C इक्वल टू Q अपॉन V। यहां मैं वैल्यू रख दूंगा, वर्क डन आएगी इक्वल टू वन बाई टू, सी की जगह मैंने रखा क्यू अपॉन वी, ये है वी स्क्वायर, स्क्वायर से वी कटेगा तो वर्क डन इक्वल टू वन बाई टू क्यू वी। ये जो फॉर्मूला आएगा वो इक्वेशन फोर है और किसकी टर्म में है, क्यू और वी की टर्म में वर्क डन है, या क्यू और वी की टर्म में संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा का एक्सप्रेशन है, क्यू सी की टर्म में, सी वी की टर्म में, क्यू और वी की टर्म में। ये सभी तरह की वर्क डन या सभी तरह की एनर्जीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यही एक चीज और छोटी सी ध्यान रखने वाली है, वर्क डन था हमारा आवेश इनटू विभवांतर, क्यू चार्ज देने पर इन प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो वर्क डन होता था। तो यहां वर्क डन हमने किया जो क्यू इंटू वी, हमने वर्क डन किया वो क्यू इंटू वी है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो ऊर्जा संचित हुई वो है वन बाई टू क्यू इंटू वी। तो यू एनर्जी है वन बाई टू क्यू इंटू वी, हमने वर्क किया क्यू इंटू वी, एनर्जी स्टोर हुई वन बाई टू क्यू इंटू वी। इसका अर्थ ये है 50% जो हमने वर्क किया वो तो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, 50% ऑफ अवर वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन साइड द कैपेसिटर, 50% हमारी दक्षता है, 50% जो हमने काम किया वो इसके प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होता है। आगे हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी, ये सभी एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये इस तरह की प्लेट्स हैं, ऐसी प्लेट्स हैं ये, इन दोनों प्लेट्स के बीच में वॉल्यूम होगा। अगर एक प्लेट की बात करें और ये पतली है, अनंत पतली है, इनफाइनाइट थिन है, तो इसके पास लंबाई है चौड़ाई है तो केवल एरिया है, इसलिए हम इसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा मानते हैं। ये भी इसके पास भी क्या है, एरिया है, लेंथ और विड्थ दोनों है, लेकिन जब दोनों प्लेटों को एक साथ लाते हैं तो बीच में फिर मोटाई आ गई, ये मोटाई है, थिकनेस है, डी थिकनेस है ये, तो ये वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम में ये एनर्जी भर जाएगी। जो भी एनर्जी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर होगी वो पूरे वॉल्यूम में भरने वाली है, प्रति एकांक आयतन, हमें पूरे वॉल्यूम की नहीं चाहिए, प्रति एकांक आयतन संधारित्र की संचित ऊर्जा चाहिए, प्रति एकांक आयतन संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी वही उसी को हम बोलेंगे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से हम प्रकट करते हैं।
एनर्जी को कैपिटल यू से दिखाते हैं और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से। अभी हमने जो वर्क डन था वही तो एनर्जी थी, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होती है, तो वर्क डन की जगह हम यू रख सकते हैं। हमारा निकला था 1 बाय 2, हमने निकाली थी क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये कैपिटल यू थी, लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है। एनर्जी डेंसिटी तो डेफिनेशन से, वाय डेफिनेशन परिभाषा से, जो एनर्जी एनर्जी डेंसिटी है वो स्मॉल यू है इक्वल टू यू अपॉन भी, भी यहां वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लिखते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, हियर वॉल्यूम इज भी। इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं, इक्वेशन वन है यू बराबर स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन भी, और कैपिटल यू और भी दोनों की वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल यू है 1/2, सिंस कैपिटल यू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दोनों को ही हमें ऐसी टर्म में रखना है, प्लेटों के ए और डी जो हमें नॉन होती हैं क्वांटिटीज, जो हम आसानी से जिनको मेजर कर सकते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमें इस डेरिवेशन को निकालना है। तो क्यू की वैल्यू हमें पता है सिग्मा इंटू ए होती है, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है, हम पढ़े हैं सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू स्क्वायर है तो सिग्मा का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है, एयर भरी हुई है इसके बीच में दोनों प्लेट के, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो इंटू डी ऊपर हो जाएगा, अपॉन डी आएगा तो डी कहां चली जाएगी ऊपर, ये तो हमारा आ गया यू। भी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का जो आयतन है या जिसमें एनर्जी भरी है वो वाला वॉल्यूम, भी इक्वल टू एक प्लेट का एरिया ए और दोनों प्लेट के बीच की थिकनेस डी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता ही है ए इंटू डी। वॉल्यूम और यू दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन एक में रखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी, ये भी वॉल्यूम है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन इक्वेशन वन, ऐसा करने पर वैल्यू हमारे पास आएगी स्मॉल यू इक्वल टू, ये यू की वैल्यू रख दी 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और वॉल्यूम नीचे ही आएगा, ये तो यू की वैल्यू मैंने रख दी अपॉन वॉल्यूम ए इंटू डी है तो मैं यही लगा दूंगा ए इंटू डी, वॉल्यूम नीचे था तो नीचे मैंने हर में ए इंटू डी और जोड़ दिया, ए स्क्वायर से कट गया, डी डी से कट गया, और मेरे पास जो क्वांटिटीज बची रही वो है यू इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन टू। इस इक्वेशन में एक बार मैं एप्सिलॉन नॉट का ऊपर गुणा करता हूं और एक बार इसको नीचे लिख देता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कटके एक के बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहां से हमारा काम बन जाएगा। एनर्जी प्लेट्स के बीच में हमने पढ़ी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यहां स्क्वायर है तो एनर्जी का स्क्वायर हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगी, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड, एनर्जी डेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन है, ये ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक है, यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यू प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई स्क्वायर, इसका अर्थ ये है कि संधारित्र में जो भी ऊर्जा संचित होती है वो किसके रूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जब दो चालकों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें ऊर्जा की हानि होती है, हार्म होता है, क्या एनर्जी लॉस होती है, होती है तो क्यों और कितनी एनर्जी लॉस होती है पढ़ेंगे। थैंक यू।